गुड मॉर्निंग गाइस, आज एक और नया दिन और एक और नए व्लॉग के साथ हम वापस आ चुके हैं। आज भी मैं अपने आप को फुल डे दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे एक्सरसाइज, कैसे डाइट और क्या क्या मेरे दिन में हो रहा है वो मैं आपको पूरा दिन दिखाऊंगा। देखो, मैंने पिछली बार वीडियो में एक बार एक्सरसाइज करी थी दिन में। मैं ट्राई करूँगा इसी एक हफ्ते में, जैसे मुझे एक हफ्ता कम्प्लीट हुआ, मैं नेक्स्ट वीक से दो बार एक्सरसाइज करूं, एक बार कार्डियो और एक बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसका रीज़न ये है कि एक ही बारी में लोड नहीं पड़ेगा बॉडी पे। अभी मैं सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर पा रहा हूं, मेरे पास कार्डियो के लिए जान नहीं बची क्योंकि मैं दो महीने से जिम नहीं गया हुआ था, तो मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं सेव हो पा रही है कार्डियो के लिए। तो मुझे दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो पावर, अपना स्टैमिना गेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे वापस आएगा। तो एक हफ्ता मैं अपनी बॉडी पे लोड ना देके ज़्यादा मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट उसमें भी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थक रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बॉडी के अंदर और मसल भी पेन कर रही है। तो इसीलिए अब मैं एक हफ्ते बाद, यानी कि दो से तीन दिन बाद, आज थर्सडे है, तो नेक्स्ट मंडे से मैं दो टाइम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँगा। या तो मेरे को उससे पहले लगा कि हाँ मैं जा सकता हूँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आप सबसे। एज यूजुअल हम एक लीटर पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तो एक लीटर पानी चलिए पीते हैं। उसी के थोड़ी देर बाद एज यूजुअल हम अपना एप्पल साइडर विनेगर लेंगे एक ढक्कन और इसमें डाल देंगे और अब इसे पी जाएंगे। ये थोड़ा सा गुनगुना पानी है जैसे मैं पीऊंगा। तो अपना तो पी पा के हो गया, अब मैं दिखाऊंगा जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में कहा था कि मैंने प्रोटीन ऑर्डर कर रखा है। तो मैंने क्या ऑर्डर किया है, क्या है मेरे पास, वो दिखाता हूँ मैं आपको और आप भी वो ले सकते हो मैक्सिमम वेलनेस की साइट से। तो मैं मैक्सिमम वेलनेस के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं क्योंकि वो उनकी जो स्कीम चलती है एक के साथ एक फ्री वाले, तो वो प्रोटीन को काफ़ी सस्ता कर देती है, एक पे एक फ्री हो जाता है। यानी कि अगर 4000 की उनकी एक प्राइसिंग है प्रोटीन की, तो वो प्राइसिंग बदल के आ जाती है हाफ पे, यानी कि 2000 हो जाती है। 4000 के मतलब आपको दो प्रोटीन के डब्बे मिलेंगे। तो ये अपना मैक्सिमम अवेयरनेस का प्रोडक्ट जिसको हम अनबॉक्स करने वाले। इसकी खासियत, मेरे को इनके प्रोडक्ट्स की खासियत ये है कि जेन्युइन 100% होते हैं, इनमें कोई मतलब फेकनेस नहीं हो सकती क्योंकि डायरेक्ट आपको ऑनलाइन स्टोर से मिल रहा है। किसी स्टोर से लोगे तो बात अलग है, वहाँ पर मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट आप ऑनलाइन स्टोर से लोगे तो 100% जेन्युइन प्रोडक्ट लगता है। और मैंने इतना यूज़ कर चुका हूँ इसको कि अब मेरे पौधे भी जो है ना वो मैक्सिमम अवेयरनेस के उसमें लग रहे हैं डब्बों में, कट कट के मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। बट इतना मैंने यूज़ कर लिया प्रोडक्ट और बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा, जो पिछली बार मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था वो इन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज़ कर करके किया था। फैट कटर, फैट बर्नर, एल कार्नेटीन यूज़ किया था मैंने, और मैंने यूज़ किया था प्रोटीन यूज़ किया था, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ करती और इनके मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 सब मैं यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले हमने जो मंगा रखा है वो हमारा प्रोटीन ही है। ये इसमें देख लो आप, दो डब्बे आ रखे हैं अपने, ये 4000 के मुझे दो डब्बे पड़ते हैं, तो काफ़ी अच्छी डील है, मज़ा ही आता है। और इनका प्रोटीन का अगर आप देखोगे तो पर स्कूप आपको मिलेगा प्रोटीन 25 ग्राम्स, तो ये भी सही है, 25 ग्राम्स अगर आपको पर स्कूप सर्विंग मिल रही है, 4000 का 4 किलो तो क्या ही गलत बात है। फिर उसके बाद मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मंगा रखी है, स्टीविया का पाउडर। ये ओनली 350 का था और ये दो हैं, यानी कि 350 के दो, बहुत अच्छी प्राइसिंग पे। और स्टीविया का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। स्टीविया क्या कहती है, जो हमारी शुगर होती है वो शुगर की तरह ही स्टीविया की जो लीफ होती है वो मीठी सी होती है, मतलब अगर चाय वाय में डालते हैं ना तो वो लीफ डाल दो तो थोड़ा सा मीठा मीठा सा कर देती है, बट उसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा होता है। तो अब मैंने ये पाउडर मंगाया है स्टीविया का और इसे मैं टेस्ट करके अपने ओट मील में आज डालूंगा और मैं देखूंगा इसकी टेस्ट कैसा है। अगर इसका टेस्ट अच्छा हुआ
तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप स्टीविया लो, क्योंकि शुगर हमें फैट कटिंग के टाइम पे बंद करनी होती है, तो स्टीविया बेटर होती है मेरे हिसाब से। अगर आप स्टीविया ले सको तो स्टीविया में इतना कुछ होता भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है स्टीविया में, यहाँ देखोगे आप तो देखो कैलोरीज जीरो, कार्बोहाइड्रेट्स जीरो, फैट जीरो, प्रोटीन जीरो, शुगर जीरो, सब कुछ जीरो, बट ये मीठी होती है तो इसीलिए इसका फायदा होता है, आप इसे ले सकते हो। अभी मैं आपको इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा पहले, फिर आपको रिकमेंड करूंगा। तो स्टीविया का एक फायदा और है कि इसमें ये 100% ओरिजिनल होता है, ये लीफ से बनता है, तो स्टीविया आप ले सकते हो। और कई लोग सोचते हैं कि शुगर के बदले शुगर फ्री लेते हैं, भाई तो शुगर फ्री सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि उसमें एक एस्पार्टिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि शुगर से बहुत सस्ता और बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है, बट वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आप नेट पे देख लेना एस्पार्टिन करके जो केमिकल होता है, वो शुगर फ्री में होता है और उसके क्या वो हैं लॉसेज हैं, तो वो देख लेना। लोग यूज़ करते हैं बट भाई मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि कभी भी शुगर फ्री यूज़ करो, क्योंकि शुगर फ्री बहुत गंदा होता है। मैंने भी यूज़ किया है, मेरे को भी इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने भी फिर उसे यूज़ करना छोड़ दिया। तो डोंट यूज़ शुगर फ्री, इससे बढ़िया आप स्टीविया ले लो। थोड़ा सा टेस्ट अलग होगा मिठास का, बट एटलीस्ट मिठास तो मिलेगी आपको, अपना थोड़ा सा टेस्ट मिल पाएगा। जैसे आप चाय पीनी है आपको, या आपको ओट मील बनानी है, ओट मील देखो थोड़ी सी मीठी होनी चाहिए, तब भी मज़ा आता है खाने में, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को अच्छा खाना नहीं दोगे तब तक फिर आपका काम नहीं चलेगा। तो बॉडी को अच्छा खाना देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर मैंने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हमेशा ओरिजिनल होता है, क्योंकि उसकी सील पे पैकिंग से पहले, जैसे तो उसकी पैकिंग है, उसके बाद इस पर एक बार कोड होगा, तो इस बार कोड से भी आप सर्च कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं। और इसमें एक कोड भी है, तो ये तो अपने काम का है। घर के डायरेक्ट उस सीन के बाद हम आ गए जिम, जिम में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के बाद मिलेंगे आपसे, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज का बता रखा है, अभी मैं एक्सरसाइज नहीं दिखाऊंगा आपको उस टाइम पर, थोड़ी बहुत दिखा दूंगा बट प्रॉपर एक्सरसाइज अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसका, क्योंकि जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता हूँ कि मैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। बाकी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में शॉर्ट्स हाँ वो ज़रूर डाल दूँगा। तो अब एक्सरसाइज करते हैं, आज मेरा चेस्ट और ट्राइसेप्स है, तो मिलते हैं फिर आपको चेस्ट और ट्राइसेप्स के बाद। तो गाइस एक बहुत गंदी बीटी हो गई, हमने जिम करना स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज करना स्टार्ट ही किया था, उतने में हमारे पिताजी का फोन आता है और वो कहता है कि घर आइए, जो कल रात में इन्वर्टर खराब हुआ था उसे ठीक करवाइए, और गाली भी मिली दो बढ़िया। तो भाई भग के घर जा रहा हूँ, फटाफट ये ठीक करवाता हूँ इन्वर्टर, और एक्सरसाइज तो भाई अब शाम को ही कर पाऊंगा मैं। तो भाई एक बीच में से आया हूँ भाई, कॉफी वॉफी सब पी ली थी, बीच में से इन्वर्टर की ट्रॉली लेके आया, ये देखो ऐसे तो हालत हो रही, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही। अब देखो दोबारा जाते हैं भाई काम करवाते, नहीं तो गाली मिल जाएगी, शाम को करेंगे इंडियन फैमिलीज। इन भैया की वजह से हमें अपनी आज की एक्सरसाइज सुबह की कैंसिल करनी पड़ गई, अब शाम को एक्सरसाइज करेंगे, इसे जाके ठीक करवाते हैं। यार ये चीजें खराब क्यों होती हैं, चीजें खराब हो जाए फिर ठीक हम कराएं, मतलब हमें हमारी हमें ठीक करानी पड़ेगी, बट तब भी यार चीजें प्लान के अंदर करने पड़ जाते हैं। इसका इसका भाई फ्यूज उड़ गया है, और डायरेक्ट पुश बटन से स्टार्ट करना है, ये खराब हो गया था ना बीच में, तो उसी चक्कर में भैया कर देंगे, हाँ वही करेंगे भैया, तुम नहीं कर पाओगे क्यों, बताएंगे ना वो क्या करना है, क्या दिक्कत है, तुम पता नहीं है, नहीं देख लिया करके। सक्सेसफुल, ये ठीक हो गया यार, अब इसे हम घर ले जा रहे हैं, तो लिफ्ट में ऊपर नीचे करना पड़ गया यार, सोवर में परेशान हो गया भाई। ये देखो अलग ही बैटरी चल रही है, यहाँ पे इन्वर्टर लग रहा था, क्या जबरदस्त मधुमक्खी का छत्ता, और मम्मी देखना है कहाँ पे, वो नीचे है बिल्कुल नीचे था, ये उखाड़ा मैंने, मैंने सीधा करा है अभी, ये वाइट वाइट क्या है, ये अंडे हैं, बच्चे हैं इसके, अब क्या करें मम्मी, इन्वर्टर के अंदर तो बहुत सारे हैं मम्मी, लड़ी औरतों को नहीं काटते, अच्छा हुआ इन्वर्टर का ना काटते जी ये बाहर क्यों, भगाने का तरीका। गेट बंद कर लो, अपने गेट में आ जाए, उस थोड़ा और पास लेके जाओ ना, छत्ता तोड़ दो इसका, तोड़ो छत्ता, तोड़ो तोड़ो, तो डंडे से तोड़ दो ना, बैटरी तो खराब हो जाएगी इससे,
गाइस हमने छत पर जला दिया पर मधुमक्खी अभी भी गई नहीं है, वो थोड़ी देर में चली जाएंगी। कोई भी मधुमक्खी मरी नहीं, बच गई, सारी बच गई, बस वो अपना छत्ता ढूंढ रही है। छत्ते में भी कोई सी मधुमक्खी थी नहीं बिल्कुल, हमने देख लिया था पहले, उन्हें आग से दूर से हटा दिया था सारी मधुमक्खी को, पर छत्ते पर वो कपड़ा रख दिया था तो जिससे कि वो जल गया, पूरा छत्ता जल गया, मधुमक्खियाँ बच गई। तो हमने किसी मधुमक्खी को मारा नहीं है ना, हमारी इंटेंशन थी बस, हमें इन्वर्टर की बैटरी हटानी थी यहाँ से, वो बाहर रखनी थी क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है तो फिर इन्वर्टर में दिक्कत जाती है, ऐसी दो तीन बार दिक्कत हो चुकी है, तो बैटरी से हमें बस बाहर रखनी थी, तो बस इसीलिए हमने करा। वो छत्ता वहाँ पे जला पड़ा है वहाँ कोने में बिल्कुल, देख सकते हो। मैं तो बाहर जाने लगा हूँ, मधुमक्खियाँ काट लेंगी। तो भाई वो मधुमक्खी वाला मिशन तो मिशन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं नहा रहा हूँ और वहाँ पे कोई मधुमक्खी मरी नहीं, बच गई, सारी बग गई थी, और धुआं देखते हैं और फिर थोड़ा सा तंग और किया उन्होंने क्योंकि वो धुआं जैसे पूछा वो फिर आगे हमें बैटरी निकाली थी, तो हमने एक और बार धुआं करा वहाँ तो वो बग गए, फिर से हमने अपनी बैटरी निकाली, हमारा काम पूरा हो गया। अब मेरे वो हाथ पे पिया गंदा हो गया पूरा। अब मैं नहा रहा हूँ, नहा के अपनी ओट मिल खाऊंगा, ओट मिल खा के फिर थोड़ी देर बाद अगर मेरे को भूख लगी तो मैं पनीर खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं 6 बजे के आसपास जिम जाऊंगा, देन देखते हैं। अभी तो सुबह वाला जिम तो कैंसिल हो गया, बीटी हो गया यार, थक गया हूँ ज़्यादा काम करके। सुबह अपनी ओट मील रेडी है। ओट मील में क्या है अभी देखो, मैंने इसमें प्रोटीन पाउडर ऐड कर रखा है 1/2 स्कूप, यानी कि अराउंड मुझे प्रोटीन मिलेगा 25 का, 12.5 ग्राम मेरे को प्रोटीन मिलेगा भाई, करेक्ट एकदम, मैथ बिल्कुल चकाचक। और इसमें मैंने स्टीविया ऐड करी है बहुत थोड़ी सी, क्योंकि स्टीविया बहुत जरा सी यूज़ होती है। और उसके बाद मैंने इसमें यूज़ किया बादाम का पाउडर, जो मैंने घर में पीसता हूँ, मैं खुद ही बादाम डाल के पीस लिया वो वाला पाउडर, मैंने 1 स्पून इसमें यूज़ किया। और हमारी 40 ग्राम्स ओट्स की ओट मील रेडी है, हाई प्रोटीन ओट मील है ये। बात रही स्टीविया की, तो स्टीविया को टेस्ट करने का तरीका मुझे पता लगेगा कि कैसी स्टीविया है। हाँ बिल्कुल, जैसे चीनी काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही, बस हल्का सा टेस्ट डिफरेंट है, बट मीठा मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और ये वाला मीठा हार्मफुल भी नहीं है। सो इस मील को ख़त्म करने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। तो भाई जिम में वापस आ गया हूँ मैं, गाने तेज चल रहे हैं, इस बार कोई प्रॉब्लम ना, और मैं एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर पाऊँ, और कंप्लीट कर लूँगा मैं, चेस्ट और ट्राइसेप्स ही कर रहा हूँ मैं फुल एनर्जी के साथ। अभी दोबारा अपनी कॉफ़ी पीऊँगा, इंटेक करूँगा और दोबारा एक्सरसाइज करूँगा, एक्सरसाइज के बाद मिलता हूँ इस बार होपफुली। तो जिम करके तो मैं घर आ गया, एक्सरसाइज करके पूरी चेस्ट ट्राइसेप्स मैंने बहुत अच्छी ट्रेन करी, मज़ा ही आ गया चेस्ट और ट्राइसेप्स ट्रेन करने में। और अब मेरा मील टाइम था, और मैं अभी शाम, मतलब वैसे बस तो 8:30 रहे, बट मैं मील शाम वाली ले रहा हूँ, इसके बाद मेरी एक मील और बचेगी। मील दिखाता हूँ मैं क्या है, ये मेरी आप 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स, वेरी लो ऑयल, ऑयल बिल्कुल नाम मात्र का, जितने में बस ये छुक सके, इतने मतलब बन जाए उतना इसमें हल्का सा ऑयल यूज़ हुआ है। मुझे इसमें 50 ग्राम्स में 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री में जो मैं एक चीज़ पीता हूँ बहुत अच्छे से, चाय, बट इसमें शुगर नहीं है, इसमें मैंने स्टीविया डाली है जिसकी वजह से इसकी कैलोरीज काफ़ी कम हो जाती हैं, और ये बहुत थोड़ी सी चाय है तो कैलोरीज इसकी बहुत कम रहेंगी, अराउंड 100-150 के आसपास रहेंगी मेरे हिसाब से, 100 या 150 के आसपास, कन्फर्म नहीं हूँ बट इतनी ही रहती हैं, 200-250 तो एक चाय की रहती है जिसमें चीनी वीनी हर चीज़ होती है, बट इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, स्टीविया है तो स्टीविया में तो 0 कैलोरीज, 0 शुगर, सब कुछ होता है। तो ये खाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस आपने मेरा पूरा दिन देख लिया, और पूरा दिन के बाद मेरी लास्ट मील जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें प्रोटीन होता है, कार्ब्स बहुत कम होती हैं, वो मील ये रही, क्योंकि रात में जितनी कम कार्ब्स आप लोगे, जितना कम फैट आप लोगे, उतना आपके लिए बेटर है। प्रोटीन लोड कर सकते हो रात में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रात में जो होता है जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी मसल जो होती है वो रिकवरी पे होती है, रिकवरी मोड पे होती है, और उस समय अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन है तो वो मसल रिकवरी बेटर हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी। तो मेरा तो यही है कि भाई मैं रात को प्रोटीन हैवी रखता हूँ, मतलब अंडे ज़्यादा लेता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या मील है। तो अपनी मील ये है, इसमें मेरे पास 8 एग वाइट्स है, होल एग कोई सा भी नहीं है, 8 एग वाइट्स हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा दोपहर में जो आज पनीर खाया था थोड़ा सा मेरा बच गया था क्योंकि वो ज़्यादा हो रहा था, तो थोड़ा सा मैंने पनीर मिक्स किया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसे टेस्ट देने के लिए इसमें मैंने अपने घर की दाल डाली है ताकि थोड़ा सा ईजी टू ईट हो जाए और टेस्टी भी बन जाए। तो ये मेरी लास्ट मील है, और ये खा के मैं सो जाऊँगा,
थोड़ी देर बाद पानी वानी पी के। और हाँ, अपना वाटर इंटेक 4 लीटर ज़रूर रखना, ये एक हेल्दी लाइफ का पार्ट है, तो 4 लीटर ज़रूर से ज़रूर रखें। सो ये व्लॉग यहीं तक था, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दो, और वीडियोस मैं रेगुलर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे हेल्प करो, ताकि मैं भी इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाऊँ, ताकि मैं इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, और फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।